ये मछली में केसर होता है गाइस। तो अभी थोड़ा प्लान में चेंज किया, अभी हम लोग जा रहे हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट मालवण जेटी। अभी के टाइम पे एक्चुअली 4 दिसंबर नेवी डे है, तो यहाँ पे एक नेवी का परेड होता है, तो वो परेड के लिए मोदी साहब आने वाले हैं, तो उसकी अभी तैयारी चल रही है। थोड़ी देर पहले अभी ऊपर से फाइटर जेट भी गया, तो उसके लिए अभी के टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट बोर्ड जो है वही अलाउड है सिंधुदुर्ग किले जाने के लिए। अभी वो ढूंढते हुए हम आ गए हैं मालवण जेटी की तरफ। वो देखिए तो ऐसे ये है मालवण प्रवासी टर्मिनल, यहाँ से शायद अपने को टिकट लेना पड़ेगा। ये देखिए मोदी जी आने वाले हैं, उसकी सब तैयारी चल रही है। अभी हम लेंगे यहाँ पे टिकट। बिटले टिकट चलो जय। टिकट हमने ले लिया है और अभी हम लोग जाएंगे उस बोट में। यहाँ पे सब लाइफ जैकेट पड़े हुए हैं, तो इसमें से आपको लाइफ जैकेट दिए जाएंगे। वो बोट में पहन के बैठना पड़ेगा है ना, ऑलरेडी गए, सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। हम लोगों ने जगह पकड़ ली है, हमारे बोट में फुल हो गया, हम निकल चुके हैं। रिवर्स ले रही है भाई, पीछे देख खड्डा है क्या? रिवर्स गियर टाक लेला है। दोस्तों स्वागत है आपका सिंधुदुर्ग किले में, महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक चमत्कार। तो किले में आते ही हम लोग सबसे पहले दर्शन करेंगे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, और किले में ये एक मंदिर है जहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, और सबसे पहले हम लोग दर्शन करेंगे उनका। तो गाइस ये जो टोटल एरिया है सिंधुदुर्ग का वो अराउंड 48 एकर्स में फैला हुआ है, जो अराउंड 3 किलोमीटर्स इसका जो टोटल सरफेस है एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक वो उतना फैला हुआ है। और ये जो वॉल आप देख रहे हो जिस पे हम लोग चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 30 फीट ऊंची वॉल है, और अराउंड 9.1 मीटर के अराउंड इसका हाइट है, और इसका जो थिकनेस है वॉल का वो एटलीस्ट 12 फीट का है, 3.7 मीटर अराउंड इसका थिकनेस है ये वॉल का। और आई थिंक दोस्तों ये है यहाँ का वॉच टावर, जहाँ से दुश्मनों पे नज़र रखी जा सकती है। यहाँ से पूरा समंदर मालवण का एरिया दिखता है, और इजीली अगर कोई दुश्मन अंदर आता है तो इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं।
और इस किले की खास बात यह है कि इसका जो मेन एंट्रेंस है वो एंट्रेंस कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता बाहर से। मित्रांनो, शिवाजी महाराजांच्या पावलांचे ठसे। महाराजांची पावलं आणि हे हाताचे ठसे। हेलो गाइस, अभी के बजे हैं 10 और हम आए तारकरली बीच कुछ वाइल्ड लाइफ देखने के लिए। तो ये देखो, हमें यहाँ पे एक स्टारफिश दिखाई दे रही है। तो अगर रात को आते हो तो संभल के चलिए, इनके ऊपर पैर वैर ना पड़ जाए। चलिए कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो कटल फिश, आई थिंक ये मर चुकी है, बट ये इंस्टेंटली कलर बदलती है। क्या बोलते हैं इसको पता नहीं मुझे मराठी हिंदी में, बट सही इसके टेंटिकल्स होते हैं आगे, जिंदा भी हो सकती है ना। नहीं, मरी पड़ी है। तो गाइज, इनके पैटर्न के ऊपर इनका ब्रीड डिसाइड होता है, उनसे फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। इसका कलर देखो, पैर का प्योर पर्पल कलर है, सुपर। ये जिंदा होता है ना तो इसका जो कलर है ना वो और भी ब्राइट दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। चलो अपनी खोज जारी रखते हैं। ये देखिए कटल फिश, जो पहले हम लोग ने देखी थी बड़े साइज में, बट यहाँ पे आपको ठीक से दिखेगी। ये देखो, ये इसके आगे के टेंटेकल्स होते हैं, इसके आँखें, और ये बड़ी होने के बाद फिर ये कलर बहुत फास्ट चेंज करती है। इसको खाते भी है। फिश है ना, जेली फिश है गाइस, जेली फिश। पीछे हो, आगे चलो। देखो गाइस, जेली फिश लाइव आपके सामने, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। रात को बीच पे आके हम लोग ये ढूंढ रहे हैं सब। यहाँ पे फ्रेश मच्छी पकड़ के यहाँ पे लोड की जा रही है। ये देखो, ये जाले से टूट के आई हुई मछलियाँ हैं, ये यहाँ पे गिरी है। बांगड़ा क्या माहिती कौन सा है। देखो गाइस, हमको मिला है बांगड़ा। लेके जाएगा इसको, जीवंत है का? नहीं, पानी टाकू? नहीं, जीवंत नहीं। ढाला खूब है। हाँ बस वो देखे, क्रैब बिल में जाके छुपा है। ऐसा भुगते वो थोड़ा हलते है। तो इसको अभी सोने देते हैं और हम निकलते हैं यहाँ से।